तो चलिए अब आपको एक बड़ी खबर बताते हैं। वाराणसी से इस वक्त की बड़ी खबर है, भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे आत्महत्या मामले में आरोपी सिंगर समर सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गाजियाबाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। 27 मार्च से ये फरार चल रहा था सिंगर समर सिंह। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, सिंगर समर सिंह की भूमिका आ रही है खुदकुशी मामले में, उसको गिरफ्तार कर लिया है। भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे आत्महत्या का मामला, जिन्होंने वाराणसी के एक होटल में शूटिंग के दौरान खुदकुशी कर ली थी, बड़ी जानकारी दर्शकों को दे रहे हैं। ये बड़ी जानकारी, समर सिंह की पुलिस को तलाश थी और अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। गाजियाबाद पुलिस ने, आपको बता दें, उसे गिरफ्तार किया है। जयपाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। जयपाल, आकांक्षा दुबे जो अभिनेत्री थी, उन्होंने खुदकुशी की थी वाराणसी के होटल में, लेकिन समर सिंह की भूमिका पर सवाल उठ रहे थे। गिरफ्तारी की खबर है, कैसे हुई है गिरफ्तारी? सबसे बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है वो ये कि गाजियाबाद की पुलिस के साथ वाराणसी की पुलिस टीम ने समर सिंह की गिरफ्तारी की है और इसके बाद अब उसे वाराणसी लाने की कवायद जो है वो तेज कर दी गई है। यानी मुख्य आरोपी समर सिंह और उसके भाई संजय सिंह में से समर सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है। आकांक्षा दुबे की मां ने गंभीर आरोप लगाया था कि आकांक्षा को प्रताड़ित करता था समर सिंह और उसके साथ लिविंग में भी रहता था और उसको हत्या के लिए उकसाने का भी प्रयास समर सिंह ने किया था। इन तमाम आरोपों के बाद पुलिस के हाथ लगातार खाली थे, क्योंकि आकांक्षा दुबे की जिस परिस्थिति में होटल में मौत हुई थी वो संदिग्ध परिस्थिति थी और इसके पहले जो ब्रेकअप पार्टी हुई थी उसमें जो लोग शामिल थे वो भी संदिग्ध नजर आ रहे थे और पुलिस लगातार इस पूरे मामले पर जांच कर रही थी। परिवार को पुलिस वालों पर भरोसा नहीं था और उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की थी और ये पूरा मामला जो हाईकोर्ट में भी जा चुका था। पुलिस ने समर सिंह और उसके भाई संजय सिंह के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया था और संपत्ति जब्त करने की भी लगातार तैयारी हो रही थी और इसी वजह से आज जो है गाजियाबाद पुलिस ने ये बड़ी कामयाबी वाराणसी पुलिस के साथ की है। कल हमने ये देखा था कि शिवपाल यादव के साथ समर सिंह का एक फोटो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, इससे भी काफी ज्यादा दबाव बढ़ चुका था पुलिस के ऊपर और आज जो है ये कामयाबी मिल चुकी है। अब पूछताछ जल्द ही की जा सकती है और पूरे मामले को लेकर एक नया जो है खुलासा वो भी हो सकता है और पर्दाफाश होने की ओर अब वाराणसी पुलिस आगे बढ़ चुकी है जी। लेकिन अभी पता चल पाया कि गाजियाबाद पुलिस की ने इसको गिरफ्तार किया, तो क्या इसकी गिरफ्तारी गाजियाबाद से हुई है? हाँ बिल्कुल, देखिए ये जो अभी खबर आ रही है, एडिशनल कमिश्नर ने ये जानकारी दी है वाराणसी के कि गाजियाबाद पुलिस के साथ जो वाराणसी की टीम लगातार दबिश दे रही थी वो सूचना के आधार पर वहां पहुंची और वहां पर आज तड़के सुबह ही उसकी गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी के बाद वो तमाम कागजी प्रक्रियाओं के बाद अब सीधे वाराणसी लाने की जो तैयारी है वो अब कर दी जा रही है। चलिए आप बने रहेगा, आपको बता दें भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे आत्महत्या मामले में आरोपी सिंगर समर सिंह को गिरफ्तार कर लिया है और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ दिन पहले समर सिंह की ये तस्वीरें भी वायरल हुई थी शिवपाल यादव के साथ और वाराणसी पुलिस की टीम ने गाजियाबाद से गिरफ्तार किया है। ये एक बड़ी कामयाबी, एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। एक बार आपसे जयपाल जानना चाहेंगे, जो आकांक्षा दुबे है उसकी माँ ने समर सिंह पर ही गंभीर आरोप लगाए थे, एक बार हमारे दर्शकों को बताइएगा कि क्या रिलेशन रहा था आकांक्षा दुबे और समर सिंह के बीच का? देखिए जो समर सिंह है वो भी एक गायक है भोजपुरी के और जो आकांक्षा दुबे है उनकी जान पहचान तब हुई जब आकांक्षा दुबे ने सोशल मीडिया पर अपने रीपोस्ट करना शुरू किया और तब जाकर आकांक्षा को कई बड़े नामचीन जो हस्तियां उनके साथ काम करने का मौका मिला और कई जो ट्रेंडिंग गाने हैं भोजपुरी के उनमें समर सिंह के साथ आकांक्षा ने खुद उस गाने को गाया है और फिल्माया भी है। तो समर सिंह और आकांक्षा दुबे के जो रिश्ते हैं वो काफी पुराने हैं और कई बार ये लोग साथ में ही रहते थे और आकांक्षा दुबे को समर सिंह ने गाड़ी भेंट की थी, तो ये जो रिश्ता है वो जब जाहिर था। चलिए जयपाल, बहुत बहुत शुक्रिया जयपाल, हमारे सहयोगी भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे आत्महत्या मामला से जुड़े। आपको बता दें समर सिंह की पुलिस लंबे वक्त से तलाश कर रही थी। आकांक्षा दुबे की मां ने आरोप गंभीर आरोप लगाए थे समर सिंह पर, ये बड़ी खबर। वाराणसी पुलिस को टीम ने गाजियाबाद से गिरफ्तार कर लिया है, वाराणसी पुलिस की टीम ने उसे गाजियाबाद पुलिस के साथ मिलकर गिरफ्तार किया। 27 मार्च से यह फरार चल रहा था सिंगर समर सिंह, जिसकी अहम भूमिका है और उसकी मां ने प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था।